हेलो दोस्तों, मैं सैफ सुमित। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन किचन विद सुमित में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी, बेसन के चीले की रेसिपी। ये झटपट बन जाता है, आइए रेसिपी देखते हैं। बेसन का चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन, 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसको बारीक कट किया है, आधी शिमला मिर्च जिसको बारीक कट किया है, 1 बड़ी चम्मच धनिया जिसको बारीक कट किया है, 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको बारीक कट किया है, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च जिनको बारीक कट किया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे बेसन, जीरा, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। हमें बैटर को एकदम स्मूथ बनाना है, बैटर के अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जिसको बारीक कट किया है, टमाटर जिसको बारीक कट किया है, शिमला मिर्च जिसको बारीक कट किया है, हरी मिर्च जिसको बारीक कट किया है और धनिया जिसको बारीक कट किया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियां डाल सकते हो। देखिए चीले का बैटर बन गया है, पर अभी ये थिक है तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर हम इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी थिक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी रनी होनी चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम एक तवा लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच तेल। तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इसे हल्का गर्म होने देंगे। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कलछी चीले का बैटर। इसे अच्छे से फैला लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखने की वजह यही थी, जब भी हम इसमें बैटर ऐड करें तो वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब हम इसको पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है, अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बीच से कच्चा रह जाएगा। देखिए चीला ऊपर से ड्राई हो गया है, मतलब ये नीचे से अच्छे से पक गया है। अब इसको पलटने से पहले ऊपर की तरफ ब्रश से थोड़ा ऑयल लगा दें। अब इसको ध्यान से इस तरह से एकदम पलट दें, क्योंकि हम इसको पतला बना रहे हैं तो ये पलटने के टाइम पे टूट भी सकता है। इसको ध्यान से करें। चीला दूसरी तरफ से भी सिक जाए तो उसको पलट दें। देखिए ये दिखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। अब हम चीले को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए बेसन का चीला बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारे चीले बना लेंगे। बेसन का चीला बनकर तैयार है। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।